पहले तो आपका पांच परगना खबर को जोहार करता हूँ, आपको भी जोहार, और तमाम आपके ये पांच परगना खबर के माध्यम से देखने वाले भाई बंधु समाज के लोगों को, अभिभावकों को, सबको मैं जोहार करता हूँ। क्या मुद्दा ही होगा आपका चुनाव? देखिए, मुद्दा का भरमार है हमारा तमाड़ विधानसभा में। आज झारखंड अलग हुआ है, 24 साल हो गया। 24 साल होने के बाद 10 बार का विधायक तो मंत्री भी बना, 20 साल बर्बाद हुआ हमारा समय। झारखंड जिस तरह से बिहार में था वही स्थिति अभी भी है। आप गांव गलियारों में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। बिहार के समय में हमारा झारखंड जिस तरह से दशा और स्थिति, दिशा आप जो कहिए, जैसा समझिए, गांव गलियारों में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि एक भी विकास के नाम पर नहीं हुआ है कुछ काम। अच्छा। जिस तरह से होना चाहिए था 24 साल में हमारा तमाड़ विधानसभा, वैसा नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को मैं, जो लोगों को बुनियादी सुविधा मिले, बुनियादी जो समस्या है शिक्षा से स्वास्थ्य, और यहाँ तो खेती किसानी वाले लोग ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हर खेत में किसानों का सिंचाई कैसे होगा, इसको सुव्यवस्था करना है। और मैं शिक्षक भी हूँ, शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि समाज के लोगों का जो जुआ है, आने वाले पीढ़ी का जो भविष्य है, उसका संवारने का तो मैं कॉलेज में पढ़ाने के माध्यम से कर ही रहा हूँ। इसमें मेरा लक्ष्य है कि कोई DSP बने, कोई SP बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, और कोई जुडिशियल में भी जाए। हमारे भारत का जो अभिन्न अंग है जुडिशियल, सर्वोपरि यहाँ न्याय के माध्यम से हमारा, उसके बाद हमारा जो काम होगा, अभी अब डायरेक्ट समाज, ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण समाज से मैं विलंब करता हूँ, इसीलिए मुझे बखूबी याद है कि परिस्थितियाँ क्या है, कैसे है। इन परिस्थितियों को झेलते हुए मैं आज कॉलेज में आया हूँ, और कॉलेज में भी आने के बाद अधिकतर मैं ग्रामीण परिवेश के बारे में ही लोगों को समझाता हूँ। जब तक ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण समाज के लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक हमारा देश का भी विकास नहीं होने वाला है। अच्छा, आप जब जाते हैं क्षेत्र में तो उस समय ग्रामीण जो होते हैं क्या बताते हैं, क्या नहीं हुआ अभी तक? ग्रामीण हमें बताते हैं कि भाई, हमारा खेतों में सही समय पर खेती नहीं होती है, सिंचाई के अभाव में, क्योंकि यहाँ ऊपर वाला का भरोसा, कब बारिश होगा तब सही से खेती होगा। और यहाँ जो क्षेत्रीय समस्या है, अभी हमारा पुंडू प्रखंड का ही अगर आपको बता दे तो, ऑनलाइन सुविधा में जो खाता खतियान, सबसे ग्रामीण लोगों का क्या स्थिति है, खेत खलियान, जिस दिन इसका खेत खलियान अपने जगह से दूर हो जाएगा, उस दिन इन लोग का भविष्य एकदम अंधकार में रहेगा। इसीलिए मैं जाता हूँ, सबको दुख तकलीफ क्या है साझा करते हैं, इसी साझा करने के क्रम में लोग बताए हैं कि हमारा बुंडू प्रखंड में खतियानी जो ऑनलाइन समस्या है, ये सबसे बड़ा समस्या बन गया है। अभी यहाँ पर हमारा ग्रामीण समाज के लोग ऑनलाइन का अ नहीं जानता है, कंप्यूटर का क नहीं जानता है, और यहाँ क्या हुआ है, खतियानी जो जाति नेचर में है मुंडाओं का, स्वासी हो गया है, जिससे आने वाले समय में बच्चों का अगर जाति स्थानीय स्कूलों में, कॉलेजों में, और वैकेंसी भरने के लिए जाति स्थानीय अगर बनाने के लिए आएंगे प्रखंड स्तर चाहे अंचल में, तब वहाँ पर समस्या होगा कि अरे, आपका तो मुंडा के जगह यहाँ स्वासी है, उन लोग का सही समय में एडमिशन नहीं होगा, सही समय में वैकेंसी नहीं भर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दुख की बात है। आप एक शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर भी हैं,
और ऐसे में जो है कि दिक्कत बहुत नेता यहाँ पर खड़े हैं, ऐसे में कैसे सामना करेंगे आप? हम तो किसी को दिग्गज नहीं मानते हैं, हम सबसे बड़ा दिग्गज मानते हैं आम जनता को। आम जनता जनता जनार्दन है और जनता का समस्या को निदान करना मेरा कर्तव्य है। हम अभी भी कॉलेज में जा कर के यही आम जनता का, आम पब्लिकों का ही सेवा कर रहा हूं मैं, और इन लोगों का ही बाल बच्चा को मैं पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं।